आज से 5 साल पहले तक न स्मार्टफोन का क्रेज था और न ही सेल्फी शब्द से लोग इतना वाकिफ थे। स्मार्टफोन के शुरुआती दौर में लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते थे और वीडियो देखते थे, लेकिन जैसे जैसे फोन में कैमरे की क्वालिटी सुधरती गई, वैसे वैसे लोग सेल्फी के दीवाने होते गए। आज हालात ये है कि फोन में 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे मिलने लगे हैं, जबकि एक साधारण डिजिटल कैमरा 16 मेगापिक्सल लेंस के साथ मिलता है। वहीं सिर्फ 5 सालों में स्मार्टफोन का बाजार इतनी तेजी से बढ़ा है कि आज लोग सेल्फी के चक्कर में जान तक देने से कतरा नहीं रहे हैं। इंडिया जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2011 से 2017 तक 259 लोगों की जान सेल्फी के चक्कर में गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा सालों साल बढ़ रहा है। सेल्फी के कारण अभी तक 159 लोगों की मौत के आंकड़े के साथ भारत सबसे आगे है, जबकि पूरी दुनिया में सेल्फी के कारण होने वाली मौत की संख्या 259 है। भारत के बाद रूस में 16 लोगों की और पाकिस्तान और अमेरिका में 14 लोगों की जान सेल्फी के कारण गई। दरअसल सेल्फी का सबसे ज्यादा क्रेज सेल्फी स्टिक के आने के बाद ही बढ़ा है, क्योंकि पहले लोग ऊंचाई से या ग्रुप में परफेक्ट सेल्फी नहीं ले पाते थे, जबकि सेल्फी स्टिक के आने के बाद से ही लोगों की समस्या का समाधान हो गया है और सेल्फी के लिए लोग जान दांव पर लगाने लगे हैं। रिपोर्ट की माने तो सेल्फी लेने में महिलाएं सबसे आगे हैं, हालांकि महिलाएं सेल्फी के लिए जान जोखिम डालने में पीछे हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक युवा पुरुष सेल्फी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में सेल्फी से होने वाली मौत को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें डूबने, दुर्घटनाग्रस्त होने और ऊंची जगह से गिरना शामिल है। सेल्फी से होने वाली मौत को ध्यान में रखते हुए गोवा, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के कई इलाकों को नो सेल्फी जोन में तब्दील कर दिया गया है। आइए डालते हैं सेल्फी के दौरान होने वाली मौत पर एक नजर। जानवरों के साथ सेल्फी के कारण होने वाली मौत 8, डूबने से होने वाली मौत 70, बिजली के झटके लगने से होने वाली मौत 16, गिरने से होने वाली मौत 48, आग से मौत 48, अन्य वजहों से मौत 7, वाहन के साथ सेल्फी से मौत या सड़क पर सेल्फी के दौरान मौत 51। सेल्फी न सिर्फ जान के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे आपको एक अनोखी बीमारी भी होती है। अगर किसी का दिन भर में 3 से ज्यादा सेल्फी लिए बिना मन नहीं भरता है तो वो एक डिसऑर्डर का शिकार है। ये दावा लंदन की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु की त्यागराजा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने अपनी रिसर्च में किया था। सेल्फी से जुड़े इस डिसऑर्डर को सेल्फाइटिस कहा जाता है। अध्ययन के मुताबिक सेल्फाइटिस बीमारी के 3 स्तर होते हैं। पहला, दिन में 3 सेल्फी लेने की आदत होना, लेकिन सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करना। दूसरा, सेल्फी सोशल मीडिया में शेयर करना शुरू कर देना। तीसरा, हर समय अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोशिश करना। ऐसे लोग दिन भर में कम से कम 6 फोटो पोस्ट करते हैं। amarujala.com अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहण मीडिया स्कूल यानी टाइम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।